नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपने अभी तक किसी महफिल में कव्वालियों को समाज फरमाया होगा, लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह किसी महफिल की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की चर्चर होती सड़कों से जुड़ी है। जनप्रतिनिधियों की मान मन्नत करने के बाद भी अब जब सड़कों की दशा नहीं सुधरी तो रहवासियों ने विरोध करने का एक अजीब तरीका निकाला। वार्ड 55 के लोगों ने बदहाल होती सड़कों के बीच में बैठकर एक से बढ़कर एक कव्वालियों की प्रस्तुति देकर विकास यात्रा निकालने से पहले सड़कों का विकास करने की मांग की। दरअसल बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी में टेंडर होने के बाद भी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जो सड़कें बनाई भी गई हैं उसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है। समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पूरे भोपाल में हर जगह सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन बाग मुगलिया एक्सटेंशन में 3 महीने से अधिकारी सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। बाग मुगलिया की अधिकांश सड़कें बद से बदतर हो चुकी हैं। इसको लेकर आज कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों व रहवासियों ने सड़कों पर बैठकर कव्वाली गाकर नगर निगम का ध्यान आकर्षण किया है। तिवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की कि वे विकास यात्रा निकालने से पहले वह उनकी कॉलोनी की सड़कों का विकास कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाएं, उसके बाद विकास यात्रा निकालें। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी एवं आसपास की जर्जर सड़कों को लेकर आज बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति द्वारा कव्वाली गाई गई और उसमें सभी रहवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को कई दिनों से निवेदन किया जा रहा था, लगभग 2-3 महीने हो गए थे तब भी सड़कें नहीं बनाई जा रही। यहाँ तक की जानकारी मिली है कि टेंडर भी हो चुके हैं, टेंडर के बाद भी ये काम नहीं हो रहा, और जो सड़कें बनाई गई वो भी कई सड़कें खराब बनाई गई हैं उसकी भी बात रखी गई है, लेकिन कुछ ना होने पर आज बड़े दुख के साथ ये आयोजन करना पड़ा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि विकास यात्रा निकाली जा रही है उससे पहले सभी कॉलोनी में और इस कॉलोनी में जो भी सड़कें जर्जर हैं और मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको सुधारा जाए ताकि जनता को खुशी मिले। एक तरफ जनता परेशान है और दूसरी तरफ विकास यात्रा होगी तो कहीं ना कहीं दुख पहुँचता है, ऐसी अव्यवस्थाओं को दूर किया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। धन्यवाद उमाशंकर तिवारी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।